डिलीटेड क्या बोले अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ। नाउ तो चार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, हम उसे a माइनस थ्री डी लेंगे। ऐसे नंबर्स लेंगे कि उनके सम में d एलिमिनेट भी हो जाए और उनका कॉमन डिफरेंस भी कॉन्स्टेंट रहे। That is a plus d and a plus 3d are four consecutive numbers in AP. ऐसा हमने लेट किया है, तो इनमें having common difference, तो common difference कितने का है? Is 2d. बोलो बात सही है? तो इनका सम क्या है? a माइनस थ्री डी और a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस थ्री डी, ठीक है? That is equals to 32 है। तो बोलिए 3d से 3d कट गया, d से d कट गया, तो 4a is 32, तो a कितना हो गया? 8 हो गया। और कहाँ जा रहा है? The product of first and last term. So first and last term का product is equals to the product of two middle terms, उनका ratio, that is a minus d और a plus d, इनका कितना ratio है? That is 7/15 is equal to quotient पे लगाया जाना चाहिए, a पे नहीं मिलते। So this comes as 8 minus 3d, 8 plus 3d upon 8 minus d और 8 plus d, it comes as 17/15. So this is 64 minus 9d square into 15 comes as 64 minus d square into 7. So this is 15 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 960 और माइनस 135d स्क्वायर, उधर ले जाओ माइनस 7d स्क्वायर और 960 और माइनस कितना गया? 128d स्क्वायर। तो 512 अपॉन 128 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, सो रूट 4 प्लस माइनस इज इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपके पास अगर ये 8 है तो दो दो करके कम भी कर सकते हो और फिर या तो बढ़ाते भी चले जा सकते हो, ठीक है कि नहीं? तो अब जरा देखो कि 8 है और डी कितना है? 2। और अगर a 8 है और d की वैल्यू है माइनस 2, तो a प्लस a माइनस 3d, 8 माइनस 3 इंटू 2, a माइनस d, 8 माइनस 2 a प्लस d, तो 8 प्लस 2 a प्लस 3d, सो दैट कम्स एज a प्लस 3 इंटू 2, सो दिस कम्स एज 2, 6, 10 और 6, 14। और यहाँ पर a माइनस 3d, सो दैट इज 8 माइनस माइनस 2 इनटू 3, सो दिस कम्स एज 14। और उसी तरीके से और दूसरा क्या जाएगा? 10, 6 और 2। और इस तरीके से सो द APs आर 2, 6, 11 और 10 और 14। और सर सिर्फ नंबर फाइंड करना था एपी में, हां वही तो चार नंबर हैं, सो 4 नंबर्स ऑफ एपी, सो 4 नंबर्स ऑफ एपी, 4 नंबर्स है, ठीक है? अब क्या इसे आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 28 है और डिवाइडेड बाय 60, क्या वो ये रेशो रखेगा? हां 28 बाय 60 देख लो, पहले और आखिरी नंबर का प्रोडक्ट
28 और 20 वाले दो का 60 तो इस ये रखना चाहिए सच 4 से कर लो तो इससे आपका आंसर चेक हो जाएगा नेक्स्ट देखिए इसी में 27 भी देख लें तो 7 बाई 15 था ना वो 7 बाई 7 है हाँ तो 7 बाई 15 रख भी लेगा क्योंकि 4 से करेंगे नहीं ओके एक और क्वेश्चन है 27 वैसे तो आप लोगों ने किया है फिर भी करो cos थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इज 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा LHS सो हमें cos और sin में बदलना है इसको बहुत तरीके से किया जाता है एक मेथड है जो पीयूष ने हमें थोड़े दिनों पहले बताया था वही उसका इन्होंने 1 की वैल्यू डाल दिया ऊपर में वो ज्यादा अच्छा है ना तो बोलो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है तो बोलो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या यही 1 हुआ तो हम इसको यूज कर लेंगे अभी कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेंगे देखो करके देखते हैं cot थीटा प्लस cosec थीटा कहां पे ये वैल्यू रखी जाए ऊपर के नीचे ऊपर ऊपर माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा और अपॉन ठीक है दैट इज cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इन दोनों में हमारे पास एक क्या ब्रैकेट बनेगा देखो जरा cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस cot थीटा और एक क्या बनेगा cosec थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय इसका दूसरा मेथड भी बताएंगे ये देख लो cosec थीटा प्लस 1 इन दोनों में cosec थीटा प्लस cot थीटा कॉमन है इसको भी ब्रैकेट ही मान लो इसको सिंगल एक टर्म ही मान लो तो इन दोनों में तो एक चीज कॉमन है तो क्या कॉमन ले लिया जाए cot थीटा प्लस cosec थीटा तो इसके पास 1 बचेगा लेकिन इसके पास क्या बचेगा दैट इज cosec थीटा माइनस cot थीटा अभी ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये चीज हो गई अब नीचे cot थीटा माइनस तो इसको खोलो cot थीटा प्लस cosec थीटा से तो जो चीज मांगी जा रही वो आ जाएगी और इसको लिखेंगे तो 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय क्या वही चीज है थीटा प्लस 1 तो ये कट गया तो दिस कम्स एज cos थीटा बाय sin थीटा और प्लस 1 बाय sin थीटा अगर इनका एलसीएम ले लिया जाए तो 1 प्लस cos थीटा और भाई साइन थीटा एक और भी तरीका है ये तो है बिल्डिंग वे है दैट इज इसी को लिख लो cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 और दैट इज cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 ऐसा दिया है तो क्या किया जा सकता है कि cos थीटा और प्लस हमने एलसीएम ले लिया है साइन थीटा तो cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा एंड दिस कम्स एज साइन थीटा दैट इज cos थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा तो ये और ये कट गया ठीक है तो फिर मेथड वही है ज्यादा फर्क नहीं है माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा ठीक है तो 1 की जगह अगर हम
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो इससे कुछ हो सकता है? हाँ सर। क्या हो सकता है बताओ? आगे जाके ये भी कॉमन निकल के कट जाएगा। नहीं सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए इसके लिए। ए स्क्वायर तो इसके इसमें हो नहीं पा रहा है, वन से तो फिर टू टेन। सर साइन काटना नहीं चाहिए। हाँ साइन काटना नहीं चाहिए। काटना नहीं चाहिए था तो क्या करना? नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, इसी को देखेंगे, इसको हम देख लेंगे। सर एक साइन ऊपर जाए उसका साइन नीचे जाए। बोलो साइन का मल्टीप्लाई होगा। साइन का सभी ऊपर नीचे ही। सर यस। चलो ये कर लेंगे। इन्होंने बताया कि ऊपर वाले साइन का नीचे कर दें, नीचे का ऊपर कर लो। ये ठीक है, साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। तो भी तो वही निकलेगा। देखो साथ कुछ नई चीज बन जाए, स्क्वायर में आ जाए कोई चीज, साइन स्क्वायर बन जाए। नहीं तो ये साइन नीचे मल्टीप्लाई कर दो ये ऊपर, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन माइनस साइन थीटा, और नीचे भी करो साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा। तो दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले का इंटू मत करना, नीचे साइन चाहिए ना क्योंकि काट लेगा। ठीक है तो साइन चाहिए, बात सही है। देखो साइन नीचे चाहिए तो साइन पड़ा रहने दो, नहीं यहाँ चाहिए कि नहीं। तो अब यहाँ नीचे साइन थीटा रखो और कॉस थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा खोल दें क्या? साइन स्क्वायर थीटा अगर हम खोल दें, सिर्फ उन दो में से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये वन प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और इसमें वन माइनस कॉस थीटा है और वन प्लस कॉस थीटा भी है, यानी अल्टीमेटली मुझे वन प्लस कॉस थीटा ही चाहिए। तो हम 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन लेंगे, इसको ऐसे लिखा नहीं, तो इसमें 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। अच्छा इसको बदलो तो क्या आ जाता है बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अभी हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा। अब जैसा ही बता रहे हैं कि इनमें से भी कॉमन आ जाएगा, एक साइन थीटा तो अंदर क्या आया कॉस थीटा प्लस वन, और इसमें दो चीजें लिखो, वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा। अब इन दोनों में से वन प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा साइन थीटा, ये बचा माइनस वन माइनस कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा। तो ये खोलेंगे तो कट जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और दैट इज साइन थीटा माइनस वन प्लस कॉस थीटा, और अपॉन कॉस थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा। तो ये कट गया, ये वही चीज है वन प्लस कॉस थीटा। और भी कोई मेथड है कि यही ठीक है? यही है ना सर, इस वाले में जो आपने पहले किया था अगर उसमें नीचे वन की वैल्यू डालते तो कट जाता, मैंने वो ट्राई कर लिया। वन की तो फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को खोलेंगे कैसे, तोड़ेंगे कैसे? पता नहीं, मैंने तो नीचे वन की वैल्यू डाली। मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में उसे क्या करेंगे? नहीं इसकी बात नहीं कर रही, जो आपने ऊपर साइन थीटा काट दिया था ना, इसके बाद अगर नीचे वाले वन में या ऊपर वाले वन में से एक में वैल्यू डालनी होती है तो नीचे वाले में डालते हैं। तो वो आइडेंटिटी क्या लगाओगे इसमें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में क्या लगाएंगे? वही नहीं लगा सकते, प्लस है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर करोगी क्या उसमें? करूंगी जरूर, मैं इसको करना बता देना हमको, हमें एक और मेथड मिल जाएगा। चलो ये तो सेक्टर वाला है, एरिया निकाल लोगे ना, ये लार्जर सेक्टर माइनस स्मॉलर सेक्टर। अब देखो इन द गिवन फिगर, एक और बता दे 30 का फर्स्ट, इसमें कुछ लोगों डाउट है 30। सो इन विच रेशियो 4m डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है? तो लाइन सेगमेंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसा बुक का भी है। इस सवाल को बताने से पहले बुक का भी बता दें, वो भी कौन पार्टीशन अब डिलीटेड है लेकिन बता देते हैं। चलो
ओके नाउ क्वेश्चन दिया है बुक में, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शनल का, देख लो। डिटरमाइन द रेशियो इन विच क्वेश्चन नंबर वन ऑप्शनल है, ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.4। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये कई बार आया है, इन विच द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 2 माइनस 2 एंड 3, 7, इन दोनों को जो ज्वाइन करेगा 2 माइनस 2 और 3, 7 इससे होकर एक रेखा गुजरती है, तो वो जो रेखा इसको इंटरसेक्ट करती है वो इस रेखाखंड को किन भागों में विभाजित करती है, किस अनुपात में विभाजित करती है। लेट दिस लाइन 2x + y - 4 = 0 सो इट इंटरसेक्ट द गिवन लाइन सेगमेंट एंड डिवाइड्स इट इन m = n रेशियो, तो हम इसे मान लीजिए h के पॉइंट है, h के क्या बताओ क्या डिजायर्ड पॉइंट हुआ, हेलो हेलो हाँ आपको भी अच्छा ठीक है मनीष नीचे जाओ पापा कुछ गिफ्ट गिफ्ट लाए ये ठीक है सर, जो आपने h कॉमा k लिया से x कॉमा y लेना, x कॉमा y तो ये तो वही है। हाँ सर, हमने जब x एंड y की वैल्यू डाली तभी तो ये इक्वेशन आई ना, x y इसके जनरल पॉइंट्स हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें x1 y1 लो या h के लो, तो इसके सभी पॉइंट्स हैं, मिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं। लेकिन वेल बात ना करो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट देन यू हैव टू टेक सम ऐसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यूज लेनी चाहिए, ए बी ले लो या कुछ जिससे पता चले फिक्स्ड वैल्यू वेरिएबल नहीं है, हम एक्स वाई ना लें, ठीक है। आगे की क्लासेस में ऐसा किया गया है तो यही प्रैक्टिस अभी से शुरू करो, ए बी एच एच के लिया गया, आगे किस्म में एक्स एच वही चैप्टर तो आगे भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारे पीछे थोड़ी छोड़ेगी एमएससी तक, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है कि 2h + k = 4। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट को P ले लिया जाए जबकि A और B है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो एच के क्या हो जाएगा, एम से इसमें मल्टीप्लाई करो एन से इसमें, तो 3m और बोलो 2n अपॉन m प्लस n और यहां पर 7m माइनस 2n अपॉन m प्लस n, एच से इसको रिलेट करो तो h क्या हो गया कंपेयरिंग दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है 3m - 2n। तुम कई चीजें कर सकते हो, ये h की वैल्यू है जो h और k की वैल्यू है सीधा h में रख दो और फिर mm के टर्म्स में m/n निकाल लो, कई कुछ भी कर सकते हो। तो ये h कितना आया बताओ 3m - 2n अपॉन m प्लस n और k कितना आ गया 7m - 2n अपॉन m plus n, put these values in equation 1, so put in equation 1 क्या है 3m + 2n और फिर क्या आ जाएगा 7m - 2n upon m plus n, this is equals to 4, m plus n उधर ले जाओ इसी n लेके
एम प्लस एन, तो यहाँ टू आके थ्री एम प्लस टू एन और प्लस सेवन एम माइनस टू एन इट इज इक्वल टू फोर. सो देखो सिक्स एम और प्लस सेवन एम कितना हुआ, थर्टीन एम. और एन के बारे में बताओ, फोर एन में से टू एन गया, तो टू एन और ये चीज इधर ले जाओ, तो क्या फोर एम प्लस फोर एन हुआ. तो थर्टीन एम माइनस फोर एन इज इक्वल टू फोर एन माइनस टू एन. तो बताइए कि तेरह में चार गया नौ, तो नाइन एम इज इक्वल टू टू एन. तो भाई ये एम बाई एन क्या हो गया, टू बाई नाइन. हमें रेशो ही पूछा गया हुआ, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रेशो. अब ऐसा ही हमारा एक क्वेश्चन इस सेट में दिया गया है, तो इसको भी वैसे ही करें. ये दो तीन बार आया हुआ क्वेश्चन, तो इसलिए इम्पोर्टेंट. तो उसी से मिलती जुलती चीज है, जरा देखें कि ओके कह रहा है रेशो इन विच पी डिवाइड्स. अब पी दे दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि P जो कि 4m है वो 2, 3 और 6 माइनस 3 ऊपर से डिवाइड कर रहा है, 2, 3 और 6 माइनस 3 को लेट इट डिवाइड्स इन A इज टू B रेशो. चल K1 मान लो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं, K भी 2 बाई 3 आएगा, जो A A बाई B आएगा वही तो K भी आएगा, और A भी मान लो. अब यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बस सेक्शन फार्मूले से ही काम बन जाएगा आपका. तो 4m क्या होगा, तो दैट इज 4m 6a प्लस 2b अपॉन a प्लस b, और देखो माइनस 3a प्लस 3b अपॉन a प्लस b हुआ, ठीक है. तो 4 इज इक्वल्स टू 6a प्लस 2b अपॉन 4 से कंपेयर कर रहे हैं a प्लस b, और यहां बताइए m किसके इक्वल है, a by b की वैल्यू निकालो इसमें डाल दो, तो m इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस 3b अपॉन a प्लस b. तो 4a प्लस 4b किसके इक्वल हुआ, 6a प्लस 2b. तो 6a माइनस 4a इज 4b माइनस 2b. तो 2b किसके इक्वल होगा, क्या 2 8 है, यही तो हुआ. तो a by b क्या हुआ, so b is equals to a, ठीक है. तो b की जगह b और a एक साथ रख लो, तो m is equals to minus 3 b plus 3 b. हाँ ये इस वाले क्वेश्चन में जो से ये थीटा ना 2x plus k ये वैल्यू के लिए k के 3 वाई, क्योंकि अगर कोई एक पॉइंट हमने इस पर ले लिया है तो वो इस इक्वेशन में अगर कहीं का भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो हमने इसमें इसके मान लिया कि जो पॉइंट जो लाइन इसको काटती है वो इसके पे काटती है, तो वही इसके रखेंगे. तो 2x plus k है वैसे 2x plus y है, लेकिन पुट क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करेगी तो h के डाल दिया तो सेटिस्फाई करेगी, उसी पे तो पढ़ रहा है. यहां देखो तो अब इसे क्या लिखा जा सकता है कि b plus b, तो m कितना आ गया 0.2b, तो m की कितनी वैल्यू आ गई, so that is m is 0. इसका मतलब है कि वो 0.40 है, m से और कोई लेना देना नहीं है, है ना, जो कि उसे किस रेशो में बांटता है, बोलो अभिषेक. 1:40 इसे 1:20 रेशो में बांटता है, इतनी इस बात. अब देखो 30th का आफ्टर ऑल निकालें, इसमें ये दिया गया है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि 2 और 5 पर है, 3, 4, 5, तो 2 से चल के 5 तक है, और इसकी हाइट क्या मालूम पड़ रही है, 3 तक है, तो हाइट 3 तक है और बेस कितना है, साइड देखो बेस भी 3 है, ऐसा नहीं दिया क्या, साइड भी 3 है.
हाइट थ्री नहीं हो सकती, जिसका बेस थ्री है उसकी हाइट थ्री नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा होगा नहीं किसी ट्रायंगल में, इक्विलेटरल में तो बेस तो थ्री है ना। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट इज इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर साइन स्क्वायर, इसी से कर लो, रूट थ्री बाई फोर इंटू थ्री का स्क्वायर तो नाइन बाई फोर रूट थ्री, यही हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, अब इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, तुम इसको अब हाफ इंटू बी इंटू एच करो, तुम्हें ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो बोलो एरिया का और क्या फार्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा। तो क्या इसे मैं नाइन बाई फोर रूट थ्री लिख दूं, ऐसा लिखा जा सकता है, और बेस अभी भी थ्री ही है देख लो, तो हाफ इंटू थ्री इंटू एच इज नाइन बाई फोर रूट थ्री, तो बोलो थ्री से थ्री कट गया तो एच की वैल्यू क्या हो गई, नाइन बाई फोर रूट थ्री। अच्छा इसका जो मिड पॉइंट होगा वहीं पर इससे परपेंडिकुलर गिरेगा, तो इसका मतलब है ये तो टू है और ये थ्री है, और थ्री और फोर के बीच कहीं थ्री पॉइंट फाइव आएगा, तो थ्री पॉइंट फाइव तो इसका एक्स हुआ, और वाई की वैल्यू क्या हो गई, टू पॉइंट टू फाइव रूट थ्री या फिर नाइन बाई फोर रूट थ्री, हुआ कि नहीं, वन बाई टू करो इसको टू है तो फिर अब ये कटेगा नहीं ना। अब क्या किया जाए, एच इज इक्वल्स टू, ये भी कट के थ्री आ गया, और इस टू का क्या होगा, थ्री रूट थ्री बाई टू है, चलो इससे भी कट कर लो, टू आ गया तो थ्री बाई टू रूट थ्री आ गया। तो यहाँ अब इसमें कितना लिख दें कि थ्री बाई टू रूट थ्री ही लिख दो बस, 7.5 को 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 7.5 Second question is, for what value of k the linear equations have infinite number of solution? आसान सवाल है फिर भी देख लें। 2x plus 3y is equal to say a plus 1 x plus 2k minus 1 y is equal to 4k plus 1. Divyangi, what is the condition for infinite solution? Very good. A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. ये जरूर लिखें, this is condition for infinite solution. देखो A1 by A2 तो मैं अपनी तरफ से रखूंगा दिव्यांगी, लेकिन C1 by C2 तुमसे रखवाऊंगा. So 2 by K plus 1 2 by k plus 1, this is 3 by 2k minus 1, इसकी वैल्यू बता दो, चलो कोई बात नहीं आप बताओ आना, माइनस 7 अपॉन माइनस 4k प्लस 1, तो अब इसी में किन्हीं दो को सॉल्व कर लो काम बन जाएगा, सब तो इक्वल है तो इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, दैट इज 2k 3k plus 1, 4k minus 2 is equals to 3k plus 3, so that is 4k minus 3k, 3 plus 2, so this is k is equals to 9. इसके बाद का और का सवाल करेंगे, थोड़ा सा मैं ग्राफिकली भी चीजों को बता दूं आपको, तीन सवाल है ग्राफिकली लेकिन जानना चाहिए इनको कैसे होते हैं सोल्यूशन।
ओके कह रहा है 2 kg एप्पल्स 1 kg ग्रेप्स है सो आफ्टर और 2 kg एप्पल लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी इट इज इक्वल टू रुपीज एक्स कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स पर केजी रुपीज वाई तो 2 kg आपने एप्पल लिया और 1 kg ग्रेप्स इट कम्स एट 160 किसी और दिन 2 kg 4 kg एप्पल्स ठीक है तो 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स 2 kg ग्रेप्स दैट कम्स एज 2y इट इज इक्वल्स टू 300 इन दोनों को मैं ग्राफिकली सॉल्व करना है जबकि प्रियांशु ने इसको इक्वेशन से बता दिया कंडीशन देख करके तो लेट अस सी कि जो प्रियांशु बताने क्या हुआ सही है तो a1 by a2 कितना आ गया 1/2 बोलो b1 by b2 1/2 और c1 by c2 दैट इज 160 by 300 अगर हम 0-0 भी काट दें 2 से और काट दें तो क्या 8/15 आ जाए तो इट कम्स एज 8/15 तो क्या a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल है सो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू सो पेयर ऑफ ठीक है लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल एंड हैव नो सोल्यूशन अब जरा देखो पहली वाली इक्वेशन का ये तो 2x प्लस y कितना है 160 है y कितना है -2x सेकेंड इक्वेशन लीजिए इफ 4x प्लस 2y 300 है तो बताइए 2y कितना है 300 माइनस 4x तो y कितना हो गया y 2 ऐसा भी कर सकते हैं 2 कॉमन लेके हटा भी सकते हैं अपनी सिंपलिसिटी के लिए तो 150 माइनस 2x ये बात हो गई अब इन दोनों के लिए दो दो वैल्यू ले लो बीच की लेना ज्यादा एक्सट्रीम लो हमारा ग्राफ छोटा ही रहे तो दैट इज x और y अगर मैं इसको 50 ले लूं तो काफी ठीक रहेगा x की जगह 50 तो लो जरा तो क्या ये 60 आ जाएगा सही है और एक 60 ले लो तो बताओ 62 या 120 40 आ जाएगा तो 40 ले लें यहां देखो अगर 50 लें x तो y क्या आ जाए 50 लेने पे 50 और 60 लेने पे 30 तो अब आप देख लें 60-30 है आप 20-20 का कर लो बहुत ज्यादा नहीं है ज्यादा करने की जरूरत नहीं तो 20-20 यहाँ 40 सही है और यहाँ क्या आ जाएगा 20-40 और 60 अब देखिए 50-60 बनाओ ये 50 है और ये 60 हो जाएगा तो एक तो पॉइंट 50-60 ये हो गया अच्छा एक 60-40 करो 60 पर 40 हो जाएगा तो 60 पे 40 है बहुत इसके लिए प्रिसीजन चाहिए लेकिन थोड़ा प्रिसीजन रख ले रहा हूँ एक तो ये ग्राफ बन गया अब अगला देखो ये हमारा जो ग्राफ बना है इसके दोनों तरफ एरो लगा दें यहाँ x और x डैश लिख दें और यहाँ y डैश लिख दें इनमें भी एरो लगाते हुए और साथ में ओरिजिन लिखते हैं जितना बड़ा ग्राफ बनाए हर एक में वैल्यू अवश्य दिखाएं पूरे ग्राफ में छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाए ऐसे सब जगह दिखा रहे हैं -20 कर दो अब दूसरा देखो 50 पे 50 दिखाओ तो 50 पे 60 है 60 लग रहा है ठीक है
चलो 60, और ये 50 पे ऊपर जाओ और 50 कहीं ये यहाँ जाएगा और थोड़ा चलो यहाँ पे ले लिया ठीक है, और 60 पे 30 लो 30, तो मुझे लग रहा है कि 60 पे 30 ये दोनों बने पॉइंट, तो इन दोनों को पैरेलल बना दो, डेलिब्रेटली दिखने में सही लगना चाहिए, दुकान सही सजी होगी तभी पैसा ठीक मिलेगा। ये बात हो गई, अब इसको भी लिखते हैं कि 4x, सबसे जरूरी चीज है स्केल लिखना और एक्सिस पे उसका नाम लिखना। इधर मैं क्या लिखूं, दैट इज कॉस्ट ऑफ, ये x क्या लिया है बताओ, कॉस्ट ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी, रुपीस पर केजी, और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स पर केजी, रुपीस पर केजी, पर केजी। और यहाँ एक जरूरी चीज है स्केल लिखना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रुपीस 20, ऐसा है ठीक है। अगला देखिए, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, ये अलजेब्राइक। सर इस दिखाना पड़ रहा है कितने, मतलब ये करके ये भी दिखाना पड़ेगा सर, आप ऐसे लिख के सीधा कर ले, दिखानी सर, अगर इसमें ये अगर करना भी है तो रफ में करना है, टीचर को पता नहीं चलना चाहिए। सर इसमें अगर एक बनाना भी ऐड कर दिया तो, बनाना कर लो उसमें, रोज जो खाएगा हेल्दी होता है, कोटेशन है बनाना सर, तो जेड और ऐसी क्वेश्चन आ गई तब क्या होगा, 11th में जाओ सब कुछ फैसिलिटी हर जगह है, आपको कोई निराशा नहीं है, मैं आप ये सोच रहे जेड एक्सिस भी जुड़ जाती है, सही है कि नहीं, त्रिविमीय हल, अभी 2 डायमेंशन है फिर 3 विमाओं में हल देखो, आप बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमफेरेंस आपको आता है, ऊपर क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, सही ये भी कर लेंगे उसका एग्जांपल, ए सॉलिड 35th क्वेश्चन आता है आपको, यस सर ठीक है, 36th देखो, 36 आपको बताते हैं बी एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 350x और माइनस 600, ये सुन ले, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैन प्रोड्यूस 300 कार्स पर डे, द प्रॉफिट मेड फॉर द सेल ऑफ दीज व्हीकल्स कैन बी मॉडल्ड, प्रॉफिट ये है जहां पे एक्स क्या है, बी एक्स तो प्रॉफिट है, और एक्स क्या है नंबर ऑफ कार जो बिकी, वो 300 बना सकती है लेकिन बिकेगी तो एक्स, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बनाने की क्या है 300, लेकिन बिकेगी तो डेली तो बदल जाएगी बिक्री, तो दैट इज कार सोल्ड इज एक्स, नंबर ऑफ कार सोल्ड पर मंथ है क्या, पर डे, एक्स इज नंबर ऑफ कार सोल्ड, मेड एंड सोल्ड दोनों भी है पर डे। हाँ बोलो सर, 6600 कर लो, आप देखो ये जो भी दिया गया प्रॉफिट इन 1000 रुपीज, ये जो भी प्रॉफिट इन 1000 रुपीज है, जो नंबर आएगा उसमें 1000 रुपीज और लिखना होगा, इन 1000 रुपीज, देखो आंसर, व्हेन नो कार्स आर प्रोड्यूस व्हाट इज द प्रॉफिट, कोई भी कार प्रोड्यूस ना हो तो When no cars are produced, और एक्स क्या है मेड एंड सोल्ड, वैसे मेड एंड सोल्ड दोनों ही कहा गया है, मेड एंड सोल्ड भी, सिर्फ सोल्ड नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कार बना के करेगी क्या, जितनी रिक्वायरमेंट आती जाएगी समझो उसी के हिसाब से कंपनी चलती है, तो नो कार इज प्रोड्यूस को भी एक्स ही लिया जाए, तो एक्स अगर जीरो है तो पी जीरो माइनस जीरो स्क्वायर प्लस 350 इंटू जीरो और माइनस 6600, तो जीरो
तो ऐसी स्थिति में आपको कर्मचारियों को वेतन देना पड़ जाएगा 1000 रुपीज, ये लॉस हो जाएगा। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, इसको प्रॉफिट होना ही चाहिए, तो पी एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इधर लिखा है 0 प्रॉफिट पॉइंट, 0 प्रॉफिट ब्रैकेट भी तो क्या मतलब पी एक्स, व्हाट इज द ब्रेक इवन, 0 प्रॉफिट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन। तो उसके नीचे वो है उसे मतलब ब्रेक इवन पॉइंट मतलब पॉजिटिव ही चले, 0 प्रॉफिट पॉइंट है उससे ऊपर। तो अब इसे पी एक्स को 0 रख लिया, -x² + 350x, 6600, तो x² + 66, इसका कुछ स्प्रिट अभिषेक बताओगे कैसे करें? 330 और 330 सो दिस इज x - 330, दिस इज 0, x - 20 x - 330 कम्स एज 0, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 20 और 330। क्या आप किसी वैल्यू को डिस्कार्ड करना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा कह रहे हैं, 300 बना सकती है, 330 कहां से बनाएगी? ये पकड़ लिया क्या? पहली लाइन से पकड़ा था, ये कैसे पकड़ा? पहली लाइन में लिखा था कि अधिकतम 300 बना सकती है, इन्होंने कह दिया सर 300 बना सकती है, 330 कैसे बनवा लोगे? कर्मचारी हड़ताल कर देंगे। एज मैक्सिमम कैपेसिटी, एज मैक्सिमम, लेकिन आप में से एक होगा जिसने इसे डिस्कार्ड किया होगा, मुझे मालूम है कि पीयूष तो है, इसके अलावा भी कोई होगा। एज मैक्सिमम कैपेसिटी इज 300 कार्स पर डे, सो एक्स इज इक्वल टू 20, बोलो बात सही है, 20 कार ही बन सकती, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। व्हाट इज द प्रॉफिट अगर 175 क्या आप निकाल लेंगे 175 व्हाट इज द प्रॉफिट? ठीक है, अगला देखो, और का देखो उसमें भी तो 400 दिया है, तो व्हाट इज द प्रॉफिट इफ 400 कार्स आर प्रोड्यूस्ड, डाल दो 400 प्रॉफिट अभी थोड़ी ना, इसमें भी 300 आएगा ही प्रॉफिट, लॉस में आ गया, तो इसमें भी वैसे हां तो नेगेटिव में लिख देना, जब कहे प्रॉफिट क्या है माइनस दिस सब्जेक्ट बता दो, जैसा जो पूछे है ना, प्रॉफिट इज माइनस दिस, बहुत सारी चीजों से आंसर किया जा सकता है। पहले कोई कि पाकिस्तान भारत से ज्यादा आगे क्यों है, तो पहला तो कुछ दिस इज नॉट द केस, और दूसरा कहेगा पाकिस्तान भारत से -300 लाख करोड़ रुपए जवाब दो, जो पूछे जवाब मिलना चाहिए। और भी चीजें बोल सकते हो कि वहां की भुखमरी वहां की सफलताएं मानी जाती है, इसलिए वो आगे। नाउ अगला देखो, रोहन इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर दिखाया गया है इंटेलिजेंट है तो क्वेश्चन ठीक है, दैट इज 37 देखो, तो लैंप पोस्ट की जो से उसकी छाया बन रही है, नाउ दिस इज द शेड, अच्छा बताओ कि लेंथ ऑफ शेडो इज 1 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ रोहन? One day he walks away from the base at a speed, this lamp is 4.5 meter from the 4.5 meter का lamp है और वो इस speed से चलता है, ठीक है सर, उसके हाथ 2 second। अब देखो, now length of shadow is 1 meter, 2 second चलता है तो 2 second में कितना चलेगा? In 2 second रोहन विल कवर 2 meter डिस्टेंस, ऐसा तो लिख सकते हैं, नहीं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू
स्पीड इनटू टाइम, तो उसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड इनटू 2 सेकंड, तो भी 2 मीटर आ जाएगा। लेंथ ऑफ शैडो इज 1 मीटर, ये 1 मीटर है और कुछ नहीं दिया है, लेकिन क्या ये 2 मीटर दिया कि 2 मीटर वो चल चुका है और इसकी हाइट पूछी गई है। तो अब आप देख लें ये सब डबल सिमिलैरिटी है, डबल सिमिलैरिटी करके दिस बाय दिस इज 3/1 लिख दे। चलो सेकंड, व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इज शेडो विल बिकम लार्जर देन ओरिजिनल हाइट? तो अब जरा देखो उसका सेकंड की कभी भी यहाँ पर ये शेडो है, उसकी हमेशा जो शेडो की डिस्टेंस होगी वो स्पीड इनटू टाइम होगी। तो लेट एट टी टाइम, लेट टी सेकंड इज द डिजायर टाइम, टी सेकंड इसमें क्या है इस टी सेकंड इज डिजायर्ड टाइम। अच्छा वन है तो बोलो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से देखो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है 1 मीटर पर सेकंड और ये टी सेकंड है तो ये कट गया, तो दिस इज टी, टी मीटर आ गया। तो अब हम इसको क्या लिखें, क्या टी मीटर? तो देखो सर हाइट ऑफ रो हाइट अभी निकालेंगे, पहले उसी को पूरा प्रोसेस करेंगे। ये टी मीटर है और ये कितना हुआ टी मीटर, इसे लिखो सर लेंथ ऑफ वही तो देखो है ना। अब टी मीटर क्या है बताओ, टी सेकंड में कितना चलेगा, टी मीटर चलेगा, टी सेकंड में टी मीटर चलेगा, इतना तो हमें पता है। ये कितना है 4.5 मीटर, क्योंकि वो चलता ही चला जाएगा, कोई ट्रायंगल का एंगल तो नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा, जितना चलेगा उतना एंगल बढ़ेगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम टाइम आफ्टर व्हिच हिज शैडो विल बिकम लार्जर, हम ये क्या करेंगे इनको इक्वेट कर देंगे, यानी शैडो इज ग्रेटर देन हाइट, इससे जो इक्वेशन आएगी उसी को सेटिस्फाई करा देंगे। ग्रेटर देन शैडो बड़ी बता रहा है ना, जब नीचे खड़ा रहेगा तो शैडो छोटी है और दूर चला जाएगा तो 45 डिग्री बनेगा, और 45 के बाद जैसे पहुंचेगा आफ्टर 45 डिग्री क्या शैडो बड़ी नहीं हो जाएगी? मिनिमम टाइम आफ्टर वो तो हम बता देंगे, लेकिन आप खुद ही सोचो। एक तो है कि आप ऐसे करो और एक दूसरा भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि 45 डिग्री पर क्या हाइट ऑफ वेव सेम होता है, और उसके बाद अगर रोहन यहाँ खड़ा है, ये देखो रोहन यहाँ खड़ा है तो इसकी शेडो ऐसी क्या छोटी है, और मान लो यहाँ खड़ा हो जाए रोहन तो क्या उसकी शेडो और छोटी, तो एक लेकिन ऐसी स्थिति 45 की भी बन रही है, रोहन तो वही है ना, रोहन की हाइट थोड़ी ना बदल जाएगी, तो रोहन फिर यहाँ आएगा तो ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री में क्या भाई ये दोनों इक्वल, लेकिन अब रोहन कहे नहीं हम तो यहाँ खड़े होना चाहते हैं दूर जाना है, तो ऐसी स्थिति में रोहन को शेडो बड़ी हो जाएगी तो एंगल छोटा होता चला जाएगा, वही एंगल जो शुरू में 80 डिग्री हुआ करता था वो 60 हुआ, अभी 45 है, लेकिन कभी 30 भी तो होगा कि नहीं। सो दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन इज 45, वही वो टाइम है जिसके बाद से उसकी शेडो बड़ी हो जाना शुरू हो जाएगी। तो बात सही है कि नहीं, या तो उस तरीके से करो या इस तरीके से भी कर सकते हो, जिसे नहीं पता ये भी तब तरीका है ही नहीं, धीरे धीरे फिर जब जब सन दूर होता जाएगा तो तुम्हारी शेडो नहीं बड़ी होती चली जाएगी, सन ही तो है, तो हम उसकी हाइट और शेडो को इक्वल कर देंगे 45 डिग्री एंगल निकाल, समझ आई, वही वो टाइम है जिसके बाद से अब शेडो बड़ी हो जाना शुरू। तो चलो खैर हमने यहाँ पे टी सेकंड लिख दिया, टी मीटर, और ये क्या है कि लेट एट द टाइम बोथ आर इक्वल, ये क्रिटिकल केस है, उसके बाद आफ्टर दैट अलग हो जाएगी। चलो ये देखो और एक्स एक्स ले लिया, इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन दैट इट इज 45, क्योंकि दोनों वन होगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो फिर वन है तो 45 नहीं होता, 10 थीटा की जो हाइट 1.5 निकली तो उसको पुट कर, तो अब क्या करते बताओ, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, अब तो ए बी वाई क्या ले लें डी ई, तो सेकंड केस में ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई सी, तो इसको लिखो 4.5 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 1.5 निकल जाएगा,
बीसी कितना हो जाएगा? ठीक है बीसी टी प्लस एक्स ना, और अपॉन इससे कुछ निकलेगा एक्स एक्स कैंसिल हो गया ना, पहले वाले एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू क्या है रोहन की हाइट 1.5 निकाली थी हमने ये तो सही है x हमें पता ही है हाइट तो बदलेगी नहीं हाँ तो x x कैंसिल भी हो गया और 4.5 इज इक्वल टू t प्लस तो t कितनी हो गई माइनस होगा ना सर माइनस हाँ सही कह दिया तो अपॉन में कहाँ चला गया तो ठीक है 4.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू तो 3 आ गया ठीक है वो तो निकाला जा सकता है जब यहाँ से पता चल गया कि ये 1.5 है और ये t कितना है 3 आया तो 3 प्लस 1.5 4.5 क्योंकि जो इससे एंगल बनेगा वही एंगल ये भी होगा 45 तो ये 4.5 ये भी 4.5 होगा लेकिन उसकी डिस्टेंस फ्रॉम पोल से क्या होगी बताओ t 3 मीटर पोल से उसकी है ना ठीक है इतनी बात हो गई नेक्स्ट क्या है 38 पॉलिटिकल सर्वे आस तो इसमें कुछ प्रोबेबिलिटी है वो आप निकाल देते हो नहीं सर देख लो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द पर्सन इज वुमेन और ए रिपब्लिकन बोलो वुमेन कितनी है 37 तो वुमेन 53 है और रिपब्लिकन जोड़ना है लेकिन 17 को दो बार नहीं जोड़ना है 17 तो टोटल ठीक है कैंडिडेट्स टोटल कैंडिडेट्स दैट इज वुमेन और रिपब्लिक कोई भी है रिपब्लिकन वुमेन होगा बहुत सारी वुमेन हो सकती है दैट कम्स एज 53 प्लस 20 बताइए 20 लिया जाएगा कोई 17 को दो बार थोड़ी ना जोड़ा है तो दिस कम्स एज 73 तो प्रोबेबिलिटी अब इसकी निकाल लो किसी को ई मान लो थोड़ी देर के लिए तो पी ई इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस सो दैट इज टोटल 100 लोग हैं जिनमें से 73 तो यही लोग हैं वास्तव में ये जो डेटा आपको दिए जा रहे हैं सच्चाई है या फेक नहीं है इसलिए कभी इस तरीके के डेटा दिए हो एनसीईआरटी सही डेटा देती तो तुम अपने आगे के रेफरेंस के लिए कोई पूछे फट से बता दो तो गलत नहीं होते हमने बहुत बार जांचा है सही पाए गए तो इसका मतलब है रिपब्लिकन का दबदबा है और फीमेल का भी दबदबा है ना 53 फीमेल है तो बहुत अच्छा है सो यही चीज हो गई अब सेकंड क्या है पर्सन इज डेमोक्रेट कितने हैं 39 तो 39 बाई 100 कर लेना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज इंडिपेंडेंट मैन इंडिपेंडेंट मैन कितने हैं 15 सर डेमोक्रेट का 39 इंडिपेंडेंट सिर्फ 7 है इंडिपेंडेंट 3 हो इंडिपेंडेंट प्लस मैन इंडिपेंडेंट पार्टी का हो और प्लस मैन दोनों फुलफिल करता हो कि नहीं सर आप बताओ बताओ सर वो डेमोक्रेट वाले में क्या लेंगे 39/100 हां तो डेमोक्रेट में 39/100 डेमोक्रेट का टोटल नहीं दिया है मैन वुमेन कुछ भी लो सिर्फ डेमोक्रेट ही तो बोल रहा है इंडिपेंडेंट बोला इंडिपेंडेंट मैन तो इंडिपेंडेंट का सिर्फ मैन लो 7/100 और ग्रीन पार्टी मैन तो यानी इंडिपेंडेंट मैन कितने 7 और ग्रीन पार्टी के मैन 3 सब इनका हो या उनका हो तो 7+3 कितने हो गए 10/100 समझ आ गई बात ओके
Now we will solve some MCQ. Sir, एक मैं भी क्वेश्चन दूँ. हाँ पूछो. 1 by sin theta plus cos theta equals to 1 plus cos theta by sin theta. लो. कोई भी क्वेश्चन हो अपने डाउट पुट अप कर लिए. सर 1 by sin थीटा प्लस cos थीटा. एक बार इनमें इलेक्ट्रिसिटी और उसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे. लाइक सैंपल पेपर नोटबुक में तो कुछ भी दे दो. लो जो क्वेश्चन है मैं दे दो. एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन. ठीक है लो. ये LHS और नीचे वाला RHS है. ठीक. देखो 1 अपॉन क्वेश्चन है 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा. सर वो 1 पूरा है. हां है ना. और इनटू 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा. नहीं वो काटा है मैंने. अच्छा. नहीं है करने को. तो 1 प्लस cos थीटा बाय sin थीटा बाय sin थीटा. ऐसे कैसे करके cos स्क्वायर. तो sin थीटा माइनस cos थीटा कर दे. sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर. सर ये काम करना लास्ट में बता देना. टाइम थोड़ा ज्यादा है. कोई बात नहीं. तो 1 by sin theta plus sin square minus cos square हो जाएगा. cos square चलो ठीक है. चेक करते हैं करने से होगा. दोनों से करेंगे. sin theta plus cos theta है और sin theta minus cos theta और sin theta minus cos theta. sin theta minus cos theta और divided by क्या है? sin square theta minus cos square theta. sin theta minus cos theta और sin square theta और minus 1 minus sin square theta. तो sin square के 2 हो जाएंगे. इसको देखते हैं. ठीक है थोड़ी देर में हम देख के बताएंगे. किसी के पास कोई आइडिया है और शुरू करने का अगर राइट को करें तो इसका लास्ट में देखते हैं. बहुत आगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 रो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस. देखना पड़ेगा. देखो जरा सब बात में. ओके थैंक यू सौम्या.